आज हम बनाएंगे चना और आलू का सब्जी। इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, टमाटर, धनिया पत्ता और बाकी मसाले। ये चना हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे पुलिस और मिलिट्री की तैयारी करते हैं, रोज रात को एक मुट्ठी चना पानी में डाल के और सुबह में पानी पी जाए और चना खा जाए तो दौड़ने में उनको जो अपना हाथ निकलता है वो नहीं निकलेगा। तेल डालेंगे, मेथी डालेंगे, डालेंगे दालचीनी डालेंगे और एक तेजपत्ता डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को पकने देते हैं तब तक अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मेरा आलू उबाला हुआ नहीं है, ऐसे ही हमको नया आलू है, छिलका निकाल लिया है ऊपर से और दो दो भाग में इसको कट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, दो या तीन भाग में, थोड़ा बड़ा ही रह ले रही हूँ। हमारा आलू कट के तैयार हो गया है, देखिए मसाले तैयार करेंगे। इसमें अदरक है, लहसुन है और तेजपत्ता है और जो हम आलू छील के रखे हैं उसको बारीक काट कर उसको भी हम पीस लेंगे। इसमें सब्जी इससे गाढ़ी बनती है। हम कांदे नहीं पीसेंगे, कांदे हमने फ़ौरन में डाला है तो ये आलू डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काली मिर्च और जीरा डालेंगे, इससे सब्जी टेस्टी होती है। हमारा प्याज तैयार हो गया है, इसमें हम चना और आलू को डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको भूंजेंगे। मिनट भून कर उसके बाद हम मसाला डालेंगे और मसाला को भी भून लेंगे। अब हमारा आलू चना भूज गया है, इसमें पीसा हुआ तो जो हम अदरक लहसुन और आलू का पेस्ट बनाए हैं वो डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच या 1 चम्मच ऐसे आपको लगता है गरम मसाला डालेंगे और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। फिर इसको हम भूजेंगे धीरे धीरे धीरे, थोड़ा आँच पे इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, उसको भून लेंगे। हमारा मसाला भूनना
डाल हो गया है हमारा मसाला पक चुका है, अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से और हम इसमें टमाटर डालेंगे। धनिया का पत्ता डालेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसमें। और इसमें पानी डाल देंगे, छक्कन लगा लेते हैं। तीन से चार सीटी लगा तो हम इसको बंद कर देंगे। हमारा सब्जी तैयार हो गया है, हम गैस को बंद कर लिए है। अब हम कुकर का हवा निकालेंगे। कुकर खोल लेते हैं। हमारा सब्जी तैयार हो चुका है।